बबलू चाचू का मैसेज? ओह नो, आज क्यों जाना है डीडी के साथ ऑर्किड होटल? होगी कोई घटिया सी प्रेस मीट, और वैसे भी आज सुबह सुबह बहस हुई, आज तो वैसे भी जाना ही पड़ेगा। सर, आपकी दूसरी मीटिंग ऑर्किड होटल में, आप चेंज कर लीजिए नहीं तो लेट हो जाएंगे। मैनेजर साहब, लेट ऑलरेडी हो चुका है, एक काम करते हैं ऐसे ही चलते हैं, अगर चेंज करना होगा तो वहीं चेंज कर लेंगे। कमाल के डिजाइन है आपकी ज्वेलरी के, ये तो जिद पर अड़ गई थी कि शादी के लिए गए ने तो यहीं से बनेंगे। अरे ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। वैसे बेटा, ये शोरूम आप ही का है, जो चाहिए बस उठा लो। थैंक यू। देश पांडे जी, आपकी बेटी की शादी मतलब मेरी बेटी की शादी। केसर, वो हमने कल जो डिजाइन बनवाए थे, हाँ वो दिखाओ ना। लो, दिखाओ। ये देखिए, ये देखो बेटा, कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़े आउटडेटेड डिजाइन्स लग रहे हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया आपने, लेकिन आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है तो? अब नई दुल्हन टाइम नहीं लेगी तो और कौन लेगा? वैसे आप लोग कंफर्टेबल है ना, कुछ और मंगवाऊं आप लोगों के लिए? बेटा आप आराम से बैठो, मैं और डिजाइन दिखवाती हूँ, चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ, just look at this, I want this one only. What look. Rare Mughal era ka piece hai ye, just loved it. Acha hai, lekin ye bahut mushkil hai. Ban jayega. Ha ha, वैसे देश पांडे जी बहुत ही पारखी नजर है बच्चे की, असली परख वाला ही इसकी कीमत जान सकता है। I'm really impressed बेटा। तो फिर ठीक है, आप ही बनाइए। आते हैं। शुक्रिया। चलो बेटा। ठीक है। डीडी के आशीर्वाद से डील तो अच्छी क्रैक हो गई, लेकिन लेकिन ये डायमंड मिलना बड़ा मुश्किल है। रेडी? हाँ। तुम इसीलिए मेरी जगह कभी नहीं ले सकते। तुम्हें जो चीज नामुमकिन दिख रही है, मुझे उसमें फायदा नजर आ रहा है। देश पांडे जी के लिए ये डायमंड तुम कहीं से भी ढूंढ कर निकालोगे, चाहे तुम्हें खानी क्यों ना खोदनी पड़े। समझ आया?